जय श्री राधे कृष्णा, आपका सदा भला हो। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से आपको अधिक से अधिक लाभ हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ही ना हो। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। लोग इंतजार तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतरीन मिल जाता है, या फिर वो स्वयं किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय अवश्य ही बदलेगा। मित्रों, इससे पहले कि हम अगले विचार पर जाएं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं एक अच्छे दिल से हो, फिर आपके समझ में आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन गलत इंसान से प्यार हो तो वहां आप समझोगे हर चीजें होने के बावजूद आपका दम घुट रहा है, आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम ही गलत इंसान से प्यार कर लेते हैं। किसी की गरीबी और बुरी परिस्थिति को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना सम्मान किसी भी गरीब इंसान के घर में मिलता है उतना ही सम्मान किसी भी अमीर इंसान के घर में नहीं मिलता। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले बढ़ेंगे। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं।
जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था, और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूं। और इसी हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में वो कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत से उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और उधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई भी दिख नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूम कर देख लिया, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वो बच्चा दौड़ कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से वो बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूं। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल लिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं, तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहां गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतने दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और झूठ बोले तो क्या बहाना, दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ये बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे तो एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती और तुमने उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा, ये बच्चा सच बोल रहा है कि इसने वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए ये बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा। पहला ये कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है, और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो बहरे बन जाना, उनकी बातों को मत सुनना, दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इत्तेफाक कुछ नहीं होता, इस दुनिया में सबको पता होता है कि वो अगले के साथ क्या कर रहे हैं, उन्हें हर बात की अच्छी तरह खबर होती है
कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर अवश्य देते हैं। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा और वो व्यक्ति है स्वयं आप। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनाना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वे लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुद पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। जहां जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। हल्की सी परवाह रिश्ता बरकरार रखती है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा ही गंवा दिया। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान जरूर देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं। संबंधों को समय नहीं समझ की भी आवश्यकता होती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते,
क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वो हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना, कितना और कब तक दुखी होना है? मन कहेगा, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। जब सुखी हो तो श्री कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो श्री कृष्ण पर विश्वास रखना। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। इसलिए आप भी केवल एक निर्णय कीजिए, और वो चाहे जो भी हो श्री कृष्ण को ही चुनिए, और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं। बीज तो तुम्हारे भीतर है, इसलिए वृक्ष भी तुम्हारे ही भीतर होगा और फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है पर उनको तुम्हें नहीं देना, ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई भी आके निगल जाए। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो।
जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का मतलब ही क्या जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वो तो फिर भी भगवान है, वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रखता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जा सकता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों से सुन रहा है। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द आपसे कहे गए हों तो आपको कैसा लगेगा। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज्यादा कद्र करते हैं। यदि कोई विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो वो जो भी चाहे बन सकता है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या फिर मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। चोरी, चुगली और झूठ
ये तीन बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती हैं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देता है। मकान तो बन जाएगा सिर्फ चार दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। अभी आपके कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। ना रहो खुद उदास, और ना ही किसी को उदास रहने दो। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, और मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, और उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। किसी विपत्ति के समय आपको ये सात गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं उनका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे दो कदम आगे हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी ही रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव समझेगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं हो पाएगा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक हैं। जीवन में खुद की बुराई सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। बेइज्जती का जवाब इतना इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको फिर कोई भी नहीं रुला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना ज्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो।
कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अच्छे इंसान जिंदगी में बार बार लौट कर नहीं आते। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों ही आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव सेवा जिंदगी भर टिक पाएंगे। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भाव रखता है। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिसमें मैं नहीं हम हों। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। वक्त अवश्य आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय, ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। बुरे लोगों से मिलो, तभी तुम शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया है जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल ही नहीं पाओगे। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितने भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती हैं। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता अवश्य है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी अवश्य ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वे जरूरी नहीं कि दुआएं भी कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं वो क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। हकीकत में ईश्वर तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंदमय मंजर है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारे जिंदगी के फैसले कोई और ही लेता रहेगा। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना ही व्यर्थ है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा ही गंवा दिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे, पहले हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो
जिसमें तुम खुश हो, क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक अवश्य लगाते हैं। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। जब तुम किसी के लिए लाख अच्छाइयां करके भी बुरे रहोगे, सच्चे होकर भी झूठे ही बने रहोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओगे। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब अपने अंदर मन को देखो और कहो, मैं हूं ना। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछा हटना ही सबसे बेहतर होता है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकते, दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती हैं, क्योंकि कभी हम इसे समझ नहीं पाते और कभी ये समझा नहीं पाते। केवल 2 चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को अवश्य ही सुधार सकते हैं। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरे हैं क्योंकि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देख लो। बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वक्त ही नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र ही नहीं करता। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार हो जाएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए
कुछ ना कुछ चुकाना अवश्य पड़ता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वो अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर जाकर निर्णय लो। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझ कर बोलना एक कला है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रखें, साफ साफ बोलने वाला कड़वा अवश्य होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। कल सीसा था सब देख कर जाते थे, आज टूट गया सब बच कर जाते हैं। ये वक्त है, दिन सबके आते हैं। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। काम बड़ा कीजिए, मगर उपकार वैसा कीजिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। लोगों के व्यवहार से नहीं, सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। संभव ना हो तो मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार अवश्य आता है
कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठा कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वो नहीं बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देता है और हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमाने होंगे। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिलवाले हैं। बदला लेना तो बुजदिलों का काम है। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का दर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दे दो। किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास कर लो। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत बन जाता है। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्यों को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते रहते हैं। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।